आज हम एक एसी को चेक करने के लिए आए हैं, तो एसी में कंप्लेन है कि ये ठंडा नहीं कर रहा है। तो ठंडा नहीं करने का कारण ये है कि ये हमारा चार्जिंग वाल से यहाँ पर लीकेज है, सेक्शन लाइन में चार्जिंग वाल लगा है, यहाँ पर लीकेज है, तो चार्जिंग वाल के यहाँ से लीकेज है। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, आइए इसके बारे में हम सुनते हैं। तो सबसे हम चेक इसमें कि गैस नहीं है, तो बिना ऑयल डाले हम इसमें गैस नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल निकल चुका है, तो इसमें हम पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस डालेंगे। ये R22 नंबर का इसमें गैस पड़ेगा, तो वैक्यूम करने के बाद ही इसमें गैस डालेंगे। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो बिना ऑयल डाले गैस ना चार्ज करें, क्योंकि कंप्रेसर ओवरहीट होके बंद होगा, बार बार ट्रिप करेगा, और यह चार्जिंग वाल जो है इसको चेंज करेंगे, दूसरा चार्जिंग वाल भी हम इसको लगाएंगे। तो कभी भी ऐसा आप लोगों के साथ में अगर कंप्लेन आता है तो आप सबसे पहले इसमें ऑयल डालिए, क्योंकि ऑयल पूरा निकल जाता है। ऑयल डालने के बाद इसको वैक्यूम करिए, वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए।